बड़ी खबर बदायूं के बिलसी से आ रही है, जहां बिलसी में मासूम बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में आरोपी को गोली मारी है। मुठभेड़ में सिपाही मनोज कुमार को भी गोली लगी है। बिलसी कस्बे में एक मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है। मासूम बच्ची की हत्या के बाद परिजनों ने अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी ग्रामीण के सरोज ने उक्त घटना के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बिलसी थाना क्षेत्र के मजारा जाने वाले मार्ग से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। आज दिनांक को कस्बा बिलसी में एक संसदीय खेज आपराधिक कृत्य हुआ, जिसमें लगभग छह साल की बच्ची के साथ है हत्या जैसे जघन्य अपराध किया गया। और जहां बच्ची की हत्या हुई उस घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, सीसीटीवी देखने के बाद एक अभियुक्त प्रकाश में आया। उस अभियुक्त की खोजबीन की गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त पुलिस द्वारा घिरा पा करके पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ, साथ में हमारा एक पुलिस बल घायल हुआ। घायल अभियुक्त व पुलिस बल को तत्काल सीसी बिलसी भेजा गया। शेष कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता नईम जुड़ चुके हैं। नईम बताइए पूरा मामला क्या है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। मामला बदायूं जिले के बिलसी कस्बे का है। यहाँ एक मासूम बच्ची की जो है हत्या हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों की लगातार डिमांड है जो आरोपी है उसको जो है फांसी दी जाए। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आज सुबह के वक्त में उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और एक सिपाही जो है उनके भी गोली लगी और वो भी घायल है। दोनों जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस हर पूरे मामले पर जो है जांच कर रही है। बच्ची की हत्या किन कारणों की वजह से की गई है? क्या कोई आपसी रंजिश थी या फिर कोई और मामला था? जैसे कि अभी तक परिजनों का कहना है, बच्ची जो है घर से लगभग 3:30-4 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए मोहल्ले में ही एक दुकान पर गई थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। लगातार परिजन उसे तलाश कर रहे थे परंतु उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद शाम के वक्त में पुलिस को किसी ने सूचना दी कि ऐसे बिलसी कस्बे के एक खंडर नुमा घर है, वहाँ पर बच्ची का खून में लथपथ शव मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी बदायूं एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी को लगी तो वह भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही परिजनों को शांत कराते हुए उन्होंने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी, पकड़ा नहीं जाएगा। जो आरोपी के पैर में गोली लगी है, अब वो किस हालत में है, क्या कुछ प्रशासन कह रहा है उसके बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ बिलसी थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है मजारा। मजारा जाने वाले मार्ग पर आज सुबह के वक्त में एसओजी टीम और बिलसी थाना पुलिस टीम के साथ जो है उक्त आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उक्त आरोपी के पैर में गोली लगी है ऐसा बताया जा रहा है और उसे गिरफ्तार जो है किया गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नईम हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।